राधे राधे फ्रेंड्स मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी देखिए फ्रेंड्स ये फ्लावर स्पेशल ड्रेस देखिए फ्रेंड्स ये काफी ही सुंदर है ये मैंने येलो एंड रेड कलर से बनाई है देखिए फ्रेंड्स कितनी ही प्यारी लग रही है आज मैं आपको ये फ्लावर स्पेशल ड्रेस बनाना बताऊंगी वो भी काफी ही ईजी तरीके से इसको बनाना भी काफी ही ईजी है देखिए फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही ईजी है मैं आपको बताती हूँ ये ड्रेस हम किस तरह से बनाएंगे ये हमने दो नंबर कानाजी की ड्रेस बनाई है आप बड़े कानाजी के लिए भी बना सकते हैं बड़े कानाजी के लिए बनाएंगे तब आप ये लाइन इंक्रीज करके उसके बाद ये फ्लावर और लीप बनाइए तो आप वो ये बड़ी ड्रेस भी बना सकते हैं मैंने ये दो नंबर जी की बनाई है आइए फ्रेंड्स देखते हम किस तरह से ये ड्रेस बनाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दो नंबर जी की चोली बना ली है इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाकर दो नंबर जी की पहले चोली बना लीजिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पहले दो नंबर जी की चोली बनाइए अब मैं आपको आगे घेरा बनाना बताऊंगी देखिये फ्रेंड्स ये फ्लावर स्पेशल ड्रेस है तो मैं फ्लावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लावर और लीव बनाना बताऊंगी और देखिये फ्रेंड्स येलो कलर से काफी सुंदर लगेगा मैं येलो एंड ग्रीन कलर का यूज करूंगी देखिए मैं चोली हम जब क्लोज करते हैं तो हम स्लिप स्टिच लेते हुए मोडे पे आ जाते हैं अब यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे इसके लिए हमें देखिये मैं क्या करना है एक दो और तीन तीन चैन हम लेंगे लूप लेंगे इस जगह पर दोबारा से हम डलकुशिया कर लेंगे तो देखिए मैं इस तरह से डलकुशिया गया फिर लूप लेनी है फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है लेके आना है एक डलकुशिया करना है इसी जगह पर दोबारा से एक डलकुशिया हम और कर देंगे फ्रेंड्स तो एक ही चैन के अंदर दो डबलकोशी होगी फिर लूप लेनी है फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है एक डलकोशिया करना है और फिर लूप लेके फिर इसी जगह पर एक डलकोशिया और कर देना है तो देखिए फ्रेंड्स दो दो डबलकोशिया हमें हर चैन के अंदर करने हैं ये देखिए फ्रेंड्स तो आइए फ्रेंड्स मैं अब आपको फर्स्ट रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया सारी चैंस के अंदर हमने दो दो डबल क्रोशिया कर दी है तो हमारे पास पहले जब हमने चोली फिनिश की थी तो हमारे पास बीस डबल क्रोशिया थे अब हमारे पास चालीस डबल क्रोशिया हो गए अब हमें देखिए फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट करते हुए हमें जो थर्ड चैन है इसके अंदर क्रोशिया को लेना है लेके आना है और स्लिप स्टिच कर देना है तो इस तरह से फर्स्ट रो में हमारे पास चालीस डबल क्रोशिया हो गए हैं अब हमें क्या करना है एक दो और तीन तीन तो हम डबल क्रोशिया की हाइट की चैनस लेंगे उसके बाद हम सात चैन और लेंगे एक दो तीन चार पांच, और ये सात तो हमने सात चैन और ले ली अब हम लूप लेंगे ये जो हमारी थर्ड चैन है इसके अंदर हमें जाना है लेके आना है और एक डल करना है तो देखें इस तरह से डल कर दिया फिर हम लूप लेंगे जहां पर हमने ये स्टार्टिंग की है इसी जगह पर दोबारा से लेके आएंगे और इस तरह से वी स्टिच बना देंगे तो देखिए फ्रेंड्स नीचे वी स्टिच हो गया और ऊपर लूप होगी फिर हम लूप लेंगे एक दो तीन तीन चैन स्टिच को छोड़ेंगे चौथे के अंदर हम इस तरह से डलगोशिया कर देंगे देखिए फ्रेंड्स डलगोशिया कर दिया उसके बाद हम एक दो तीन चार पांच छ और सात सात चैन स्टिच हम बनाएंगे ऊपर से देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को उठाएंगे लेके आएंगे इस लूप लेनी है ये जो हमने डलकोशिया किया है इसके ऊपर वाले को उठाना है लेके आना है तीन से दो करने हैं दो से एक करना है तो ये कर दिया है हमने फिर लूप लेंगे फिर इसी जगह पर दोबारा से डलकोशिया कर देंगे तो हमें इसी तरह से ये फूल बनाना है देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक चैन के अंदर तो हमने वर्क किया और बीच में तीन चैन स्किप की तो हमारे पास चार चार चैन यूज हुई एक फ्लाप के लिए तो हमारे पास चालीस है चालीस का हम दस से करेंगे तो हमारे चार से भाग करेंगे तो हमारे पास दस इस तरह की कलिया आएंगी आइए अब मैं आपको ये रेडी करके फिर दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंस इस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था अब हमें आगे नेक्स्ट रो बनानी है इसके लिए हमें क्या यूज करना है मैं अब आपको बताती हूँ ये जो हमारा वी है इसके अंदर हमें सिंगल स्टिच लेना है उसके बाद एक दो और तीन तीन चैन लेंगे लूप लेंगे इसी के अंदर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने पीछे लूप है इसको पीछे कर देना है और इसके अंदर वर्क बनाना है तो दो डबल क्रोशिया हो गए एक तीन की चैन तो हमारे तीन डबल क्रशी होगी उसके बाद हमने एक दो तो तीन तीन चैन लेनी है ऊपर से ये लूप उठानी है लेके आना है और सिंगल स्टिच कर देना है फिर लूप लेनी है फिर तीन डबल क्रोशिया करने है एक दो और ये तीन तो तीन हमने पहले किए फिर बीच में तीन की चैन ली फिर तीन डबलकोशी किए तो इस तरह से हो गया इसे हमने क्राउन स्टिच बना लिया अब देखिए फ्रेंड्स नीचे ये जो वी बना हुआ है हमें वी पे बनाना है तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए हाइट बड़ी रखनी है हमें ये दो डलकोशिये फिर एक क्रोशिया और तो फ्रेंड्स तीन क्रोशिया हमने और बना लिए अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है ये जो वी की दूसरी साइड है इसको लेना है लेके आना है एक डलकोशिया दो डलकोशिए और ये तीन डलकोशिये तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये लीफ बन गई अब हमें लूप लेना है और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये लीफ बन गई हमारी अब ये जो पीछे का कली है इसी की उसको उठाना है और इसमें सात डबल कोशे करना है एक दो लूप लेंगे फिर करेंगे तीन फिर करेंगे चार पांच छ और ये सात तो देखिए सात डबल को कर लिया हमने एक दो तीन तीन चैंस बनाएंगे ऊपर से ये लूप उठाएंगे लेके आएंगे और ये छोटी सी कली बना देंगे इसके बाद फिर से हमें सात डबल को फिर से करने हैं एक दो तीन चार पांच छे और ये सात तो फ्रेंड्स ये पीछे से हमें इस तरह से हमने बना दिया तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्लावर इस तरह से बन गया है ये देखिए फ्रेंड्स कितना ही प्यारा लगा है देखिए फ्रेंड्स बनाना भी काफी इजी है और इसको अब देखिए फ्रेंड्स ज्वाइन कहाँ करना है इस जगह पे दोनों के बीचों बीच तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फ्लावर बन गया है सेम इसी तरह से हम आगे बनाएंगे ये बीस स्टिच के ऊपर वाला स्टिच लेंगे यहां पर सिंगल स्टिच से आएंगे एक दो तीन तीन चैन लेंगे लूप लेंगे इसके अंदर दो डबल क्रोशिया करेंगे एक और ये एक और तो देखिए देखिये तो दो डबल क्रोशिया हो गए एक देखिए मैं दो डबल क्रोशिया हो गए एक तीन की चैन होगी अब तीन हमें और बनाने एक दो तो तीन इन तीनों को ऊपर से उठाएंगे लेके आएंगे यहां पर एक स्लिप स्टिच कर देंगे फिर लूप लेंगे फिर दोबारा से करेंगे एक दो और ये तीन तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम हमारा ये क्राउन स्टिच हो गया फिर हमने इस वी में तीन साइड डबल को शे तीन तीन साइड उसके बाद हमें पीछे से वही सात डबल को करके तीन की ये चैन बनाकर फिर सात डबल करें आपको ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये लिव स्टिच बन गए हैं अब हमें नेक्स्ट आगे वर्क करना है तो मैं आगे वर्क करना बताऊंगी किस तरह से हम करेंगे तो देखे फ्रेंड्स पत्ती के पीछे हमें वर्क करना है तो हम वर्क करेंगे एक दो तीन चार पांच और छ छे चैंस बनाएंगे और देखिये इन दोनों पत्तियों के बीच में ये जो यहाँ पर जो बना हुआ है इस दोनों धागों को उठाएंगे और यहां पर सिंगल स्टिच कर देंगे तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गया फिर से वही छ चैनस बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छ चैन बनाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स इन दोनों पत्तियों के बीच में आप थोड़ा ध्यान से देखिए ये चीज है इसको दोनों को ऊपर से उठाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उठाते हुए हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ज्वाइन हो गया सेम इसी तरह से हम हम ये सारा वर्क पीछे कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये वर्क कंप्लीट कर दिया अब आगे हम वर्क करेंगे इसके लिए हमें देखिए फ्रेंड्स ये जो चैन है इसके अंदर हमें आना है एक दो तीन तीन चैन बनानी है लूप लेंगे इसी के अंदर डबल कुशिया करेंगे एक बार और फिर से लूप लेंगे फिर से करेंगे दो बार तो देखिए फ्रेंस दो डबल कुशिया हो एक तीन की चैन तो तीन डबलकुशिया हो गए अब हमें देखिए फ्रेंड्स ये पत्ती के ऊपर जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर जाना है ये देखिए इन दोनों को उठाना है और यहाँ पर एक सिंगल स्टिच कर देना है फिर लूप लेंगे फिर इस जगह पर जाएंगे लेके आएंगे एक दो फिर इधर तीन तो तीन डबल क्वेश्चन हमने पहले किए तीन इसमें किए इसी तरह से हमें आगे भी कंप्लीट करना है इस नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट छह चैन के अंदर जाएंगे फिर एक दो और ये तीन तीन डबलक्रशिया हमने कर ली है उसके बाद हमें फिर से वही करना है ये लीफ लेंगे लीफ के जो दोनों साइड एक एक डबल क्रशिया है यहां से इसको उठाना है ये देखिए फ्रेंड्स यहां से उठाया और इधर से उठाया इन दोनों को उठाने के बाद एक सिंगल स्टिच कर देंगे फिर लूप लेंगे फिर तीन डबल क्रोशिया दोबारा से करेंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिए और एक ये तीन डबल तो इसी तरह से हमें आगे वर्क करना है ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ये वर्क कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब जब जा, जैसे जा, मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है अब हम इसमें लीफ बनाएंगे हमने फ्लावर्स बना दिए हैं लीफ मैं देखिए सी ग्रीन कलर से बनाऊंगी और देखिए फ्रेंड्स अब स्टार्टिंग कैसे करनी है ये जो हमारा डबल क्रोशिया है देखिए ये जो इन दोनों लीफ के बीच में यहाँ पर स्पेस है इसके अंदर हमें ये धागे को शुरू करना है यहां शुरू करने के बाद एक दो और तीन तीन चैंस बनाएंगे लूप लेंगे इसी जगह पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया करेंगे एक डबल क्रोशिया इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो डबल क्रोशिया तो देखिए तीन डबल क्रोशिय हो गए एक तीन की चैन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं उसके बाद हम एक और दो दो बार लेंगे और एक कर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसको दो दो करके निकालते हैं तो देखिए ट्रिपल क्रोशिया आ गया ये ट्रिपल क्रोशिया हो वो हो होता है जिसकी हाइट लंबी होती है अब हम एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे ये जो ऊपर वाली लूप है इसको उठाएंगे और सिंगल स्टिच कर देंगे अब जैसे हमने सेम पैटर्न यहां बनाया सेम पैटर्न और बनाएंगे तो हम सबसे पहले ट्रिपल क्रोशिया फ्रेंड्स इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया क्रशिया बन गया उसके बाद हमें तीन ती, 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 हमें तीन डबल क्रशिया करनी है एक इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे तीन तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लीफ बन गई अब हमें वर्क कहाँ करना है ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने बड़ा पत्ता है इसके ये ऊपर जहां हमने चैन उठाई है यहां पर हम एक सिंगल स्टिच करेंगे उसके बाद हम एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे ऊपर से इस लूप को जहां पे हमने सिंगल स्टिच किया है इसकी ऊपर की लूप को उठाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल स्टिच कर देंगे तो एक कर ली हो गई फिर हम तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन चैंस बनाएंगे पहली चैन को उठाएंगे लेके आएंगे एक सिंगल स्टिच हम और कर देंगे फिर तीसरी एक दो तीन तीन बनाएंगे ऊपर वाली लूप को उठाएंगे और एक छोटी सी कली और तो हमारी तीन कलियां हो गई हैं अब इसको इसी, इसी जगह पर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन गया उसके बाद लूप लेंगे और इन दोनों लीफ के अंदर फिर से लीफ बनाएंगे तो एक दो और ये तीन तो हमने तीन डबल क्रोशिया कर दिए देखिए फ्रेंड्स उसके बाद हम एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे ये देखिए है इस तरह से दो दो करते हुए हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे फिर एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे उठाएंगे लेके आएंगे और यहां पे एक कली बना देंगे फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया फिर लूप लेंगे फिर हम एक डबल क्रोशिया दो डलकोशिए और ये तीन डलकोशिये तो इस तरह से लीफ बना देंगे तो देखिए फ्रेंड्स एक लीफ हो गई दो लीफ हो गई इस तरह से और बीच में हमने एक फूल बना दिया इसी तरह से हमें ये सारा पैटर्न कंप्लीट करना है फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था फ्लावर और ये पत्ती बनाना देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले ग्रीन कलर से बनाया था वो येलो के साथ कॉम्बिनेशन उसका अच्छा नहीं आ रहा था तो मैंने ये रेड कलर से बना दिया सेम वही डिजाइन बनाया है जो मैंने आपको बताया है देखिए फ्रेंड्स सेम वही डिजाइन मैंने बताया है लीफ के अंदर देखिये फ्रेंड्स पहले तीन डबल क्रोशिया करने है फिर एक ट्रिपल क्रशिया करना है उसके बाद तीन की चैन बनाकर एक सिंगल स्टिच करना है फिर हमने एक ट्रिपल को बनाया और तीन डल को बनाए इसी तरह से आगे फ्लावर बनाया जैसे मैंने आपको डिजाइन बताया था सेम उसी तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है और देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चोली का बॉर्डर भी कर दिया चोली का बॉर्डर मैंने चोली बना जिस वीडियो में मैंने चोली बनाना बताया है उसी वीडियो में मैंने चोली का बॉर्डर करना भी बताया है आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें पहले चोली बना लीजिए फिर बॉर्डर कर लीजिए उसके बाद ये आपसे स्कर्ट बना लीजिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमारी ये ड्रेस बन गई है अगर आपको मेरी ये ड्रेस की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए राधे राधे